लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेप्स टू एक्टिवेट द स्क्रिप्ट्स। दोस्तों यहाँ पे पूरे स्टेप्स है कि किस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप है कॉपी ऑल द स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगी मेरी 13 फॉलो स्क्रिप्ट 2018। तो इसको पूरा कॉपी कर लेना है। तो कॉपी ये मोबाइल में पूरी कॉपी नहीं होती, फिर भी मैं अगर इसका मुझे कंप्रेस करने को मिला तो मैं इसका शॉर्ट करके आपको दे दूंगा दोस्तों, एंड मोबाइल का इंस्टॉलेशन वीडियो भी ज़रूर से डालूंगा। ठीक है, तो पूरी जो भी है आपने हमारी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी आपने कहाँ तक करना है आपको पता ही है। जो भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक ही आपने कॉपी करना है। फालतू का जो नीचे का पोर्शन है उसको आपने गलती से भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, सो पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपकी स्क्रिप्ट कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपने फेसबुक पर आइए और F12 दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने फेसबुक के प्रोफाइल पे आने के बाद अगर आपने F12 दबा दिया तो एक कॉन्सोल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सोल में हमने वो स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग करनी है। तो F12 दबाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो ऊपर की तरफ एलिमेंट्स है, तो इसमें आपने कुछ गड़बड़ी नहीं करना है। कॉन्सोल में आपने सब कुछ जो भी करना है, क्योंकि एलिमेंट्स में करोगे तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पर रहेगा, कॉन्सोल में वो परमानेंटली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोल में आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो वापस आने के बाद अपने डेस्कटॉप पे तो आपको न्यू में जाइए, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके एक आता है तो उसको ओपन कर लीजिए, या फिर नोटपैड करके आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो आपको जो भी अपनी स्क्रिप्ट कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रिप्ट को यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दीजिए। गाइज यहाँ पे अभी जो स्टेप्स आएंगे उनको प्लीज़ ध्यान से दिखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रिप्ट हमने पेस्ट करने के बाद ए, यहाँ पे लिख के आ रहा है ए। तो यहाँ पे आपने ये जो नंबर है इसको डिलीट कर देना है, मिटा दीजिए इस नंबर को। एंड यहाँ पे आपने क्या नंबर पेस्ट करना है, अपने फेसबुक के आईडी पे जाइए, तो इसको कट कर दीजिए। फेसबुक के आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका आईडी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आईडी नंबर आप कॉपी कर लीजिए, फालतू का कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नंबर न्यूमेरिक ऐड जो भी अल्फ़ाबेट ऐड मत कीजिए, सिर्फ न्यूमेरिकल जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे सीधा जो हमने ये कट कर दीजिए, एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आईडी नंबर सेट हो गया है, अभी आपके ही आईडी पे स्क्रिप्ट वो जो है वो सेट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको कट कर दीजिए, बाकी के जो दो नीचे ए थे वो उसको कट कर दीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप SL, तो ये SL यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस करना है, इसको मिटा दीजिए जो भी उसके बीच का नंबर होगा। और यहाँ पे आप अपने किसी भी फ्रेंड के आईडी पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने किसी भी फ्रेंड के आईडी पे जाइए, और मतलब उसके आईडी को कोई धोखा नहीं होगा, चाहे तो आप मेरी आईडी पे चले जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी आईडी पे आ जाइए। एंड मेरी आईडी के प्रोफाइल में एक बार अभी मैं अपने फ्रेंड का कर रहा हूँ, लेकिन आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने फ्रेंड की जो प्रोफाइल है उसको आपने सबसे पहले ओपन करना है। तो फ्रेंड की प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका एक नंबर आ जाएगा FB ID करके, तो ये उसका प्रोफाइल नंबर होगा। ये बस विक्टिम के लिए होता है दोस्तों, कि आपका दोस्त मतलब विक्टिम चाहिए उसको, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए सिंपल से, एंड यहाँ पे SL जो है ये लिखा तो वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, और नीचे के जो भी दो नंबर है जो उसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो अभी थर्ड वाला एंड लास्ट वाला आएगा आपको P। ठीक है, तो ये P है दोस्तों, एंड इसको भी आपने सेम प्रोसेस करके पूरा मिटा देना है। तो नीचे का दो भी मिटा दीजिए, ये पेज का अगर आपका पेज होगा तो डाल दीजिए लिंक, नहीं तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने मर्ज़ी पर डाल सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आप अपने फेसबुक आईडी के वापस आ जाइए, एंड अभी हमारा मेन काम शुरू होगा, वो भी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो अपनी आईडी पे आ जाइए दोस्तों, एंड अपनी आईडी पे आने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F12 दबाना है, जो कि ऊपर की तरफ होगा आपके कीबोर्ड पे। F12 दबा दीजिए, एंड फिर से वही वाला पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप दबा सकते हैं Ctrl Shift J। तो इस तरीके का कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉन्सोल में करना है, देखो दोस्तों ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कॉन्सोल। तो एलिमेंट्स में कुछ गड़बड़ मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ आपकी फेसबुक की आईडी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ठीक है, तो आपने जो भी गड़बड़ करनी है, जो भी करनी है, आपके टाइमलाइन स्क्रिप्ट का पेज है दोस्तों, यहाँ पे टाइमलाइन स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले कॉन्सोल में आ जाइए। ओके, तो आप यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको करना क्या है। तो जो भी स्क्रिप्ट हमने ली थी और जिसमें भी हमने नंबर वगैरह डाल दी थी उसको आपने सेव कर लिया होगा, तो उसी को कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर आइए, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने के बाद जैसे आप एंटर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रिप्ट सेट हो जाएगी, लेकिन
ये देख सकते हैं आप, पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे एंटर जब आप दबाएंगे तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना नंबर वगैरह आपने डाल ही दिया है, और अपने आपके पेज का है, जो भी आपका पेज होगा तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी पर है। तो यहाँ पे आप एंटर पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, एंटर पे क्लिक करते आपकी स्क्रिप्ट सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक एरर दिखाने लगेगा कि ये जो है 404 404, ये बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। डरने वाली वैसी तो कोई बात नहीं है, इस एरर का भी सोल्यूशन मेरे पास है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलिए कि आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे सेट नहीं होगी आपके अकाउंट पे। आखिरी में भी एक नोटिस देने वाला वीडियो के, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो एरर आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रेड हो चुका है, जो भी है मतलब इसने पकड़ लिया कि ये करप्ट फाइल है, कोई बूट का यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड नेटवर्क, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हाइड नेटवर्क है ना, उसको देखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए एंड आपका एरर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सही वाला, मतलब यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी निकाल दिया, मतलब जिस बंदे ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी उसी ने मुझे सारे स्टेप्स बताए, स्क्रीनशॉट भेज भेज के, तभी मैं सीख पाया हूँ। तो अभी यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा ऊपर की तरफ, जो ये मैसेज आएगा कुछ भी, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लोज और क्लोज, ठीक है। तो स्क्रिप्ट आपकी अभी सेट हो चुकी है पूरे अकाउंट पे, एंड दोस्तों सेट हो चुकी है आपकी स्क्रिप्ट। अभी आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे ग्रो करने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एंड मैं बहुत ही मेन चीज़ बता दूँ, ये स्क्रिप्ट जो है, अगर किसी बंदे के आईडी पे ये जो एरर वाला प्रॉब्लम आया था अभी, तो अगर वो आपके अकाउंट पे 3 से ज़्यादा बार आएगा तो आपकी स्क्रिप्ट सेट नहीं होगी, अदरवाइज़ आपकी स्क्रिप्ट परफेक्टली सेट हो जाएगी एंड 100% वर्क भी करेगी।